वेलकम टू कैरन्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो डियर फ्रेंड, एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है नवरात्रि का पांचवा दिन। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और मैं ये ड्रेस पहनी हूँ, इस ड्रेस का मेकअप लुक जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें। और मैं जा रही हूँ गरबा देखने के लिए। एक्चुअली मुझे इतना रेडी नहीं होना था, मैं 3-4 दिन से जा रही हूँ, लेकिन 2-3 दिन गई हूँ, लेकिन मैं इतना रेडी नहीं हुई हूँ। बस सिंपल में जा रही थी, लेकिन मैं सोची कि इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं तो किस काम आएंगे, तो चलो आज रेडी हो ही जाती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने रेडी हुआ है और वो लुक भी आप सभी के साथ शेयर किया है। आप लोग देख लीजिए मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं जा रही हूँ लॉक लगाने के लिए। तो ये है मेरा लुक। सो माई डियर लवली फ्रेंड, हैप्पी नवरात्रि। देख सकते हैं ये है हमारी कॉलोनी का पंडाल, बहुत ही खूबसूरत सा। आप सब लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका, मतलब बहुत ही प्यारा पंडाल बना था। एंड आज का दिन था जो, वो था पिंक डे। तो पिंक कलर की सब लेडीज़ ड्रेस पहन के आई हैं। आप सभी देख सकते हैं गरबा कर रही हैं। अगर मैं फुल म्यूज़िक के साथ डालती तो बहुत ही अच्छा लगता, बट म्यूज़िक नहीं डाल सकती बिकॉज़ कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इसलिए कॉपीराइट क्लेम ना आए इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं इस तरह की म्यूज़िक लगा दूँगी एंड आप लोग इन्जॉय कीजिए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा, मतलब सुंदर माहौल था 9 दिन का। तो इधर मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके डाल रही थी। वैसे मैं 3rd या 4th डे गई थी, उसके पहले मैं नहीं जा रही थी, बेटे की तबीयत ख़राब थी। और अंदर ना जो कम्युनिटी हॉल है, जहां आप लोगों ने देखा है गणेश जी रखे जाते हैं, वहीं पे देवी माँ की मूर्ति भी रखी हुई है। और यहां पे फ़ोटो रख के इस तरीके से सजा के यहां पे गरबा होता है ग्राउंड पे। तो मैं वही सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा भी गरबा डांस आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ मैं दिखूँगी आपको गरबा करते हुए, मतलब मैं और मेरे साथ और लोग भी। लेकिन ये तो सिर्फ पब्लिक का था, तब मैं नहीं कर रही थी। मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं कर रही थी गरबा, तब का है। तो आप लोग देख लीजिए। और ये पिक्चर डाल दी मैंने बीच बीच में, कुछ बहुत सारी पिक्चर ली हैं। बहुत अच्छा माहौल था, मतलब इतना प्यारा माहौल था कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते 9-10 दिन। और यहाँ पे मेरा बेटा भी अंदर चला गया, चिप्स लेते हुए जा रहा है, आप सभी देख ही सकते हैं। तो पिंक कलर की टी शर्ट उसको भी पहना दी थी। और लड़कियाँ इतना प्यारा गरबा करती हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे गरबा क्लास भी होती है, तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई बिकॉज लल्ला छोटा था। यहाँ पे देवी माँ की फ़ोटो रखी हुई है, मंदिर बनाया हुआ है, यहीं पे रंगोली वगैरह बना के यहीं पे गरबा लास्ट होते होते आरती होती है। तो पिंक ड्रेस कुछ हमने भी ऐसा पहन रखा था, बट हम कर नहीं रहे थे गरबा क्योंकि प्रॉब्लम थी कुछ, तो नहीं कर पा रही थी। और इस तरीके का माहौल था, और मतलब हर दिन अलग अलग कलर के हिसाब से लोग जा रहे थे। और इस दिन था ब्लू डे, तो ब्लू डे के दिन मैंने ये ब्लू वाला ड्रेस पहना था। और मैंने इस दिन से गरबा स्टार्ट किया था, तो मेरा वीडियो आएगा, आप सभी ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो वही होगा आई थिंक, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है आप सभी के साथ शेयर करूँगी और मेरी भी मेमोरी सेव रहेगी। बस मैं डांस का जो है ना गाना सॉन्ग वो नहीं डाल सकती कॉपीराइट क्लेम की वजह से। तो यहाँ पे देख लीजिए हम तीनों ने ब्लू पहन के रखा है और बहुत ही खूबसूरत मतलब व्यू है। तो देख लीजिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। देवी माँ की फ़ोटो बस होगी मेरे पास, तो उसको भी मैं शेयर कर दूँगी। वैसे मैं देवी माँ की आरती में, पूजा में मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि इधर 10 बजे तक का माहौल रहता था, तो जाती थी उधर आरती 8 बजे हो जाती थी, तो नहीं कर पाती थी आरती के, उसमें नहीं जा पाती थी। तो यहाँ पर बस इंजॉय चल रहा है। लास्ट में इधर भी आरती होती थी और खूब ही खूब बहुत ज़्यादा खूबसूरत माहौल था 9-10 दिन। मतलब माँ की विदाई का भी वीडियो मैं डालूँगी, कितना अच्छा मतलब विदाई होती है यहाँ पे, हर जगह ही होती है। हमारे गांव में भी बहुत प्यारी विदाई होती है माँ की ढोल नगाड़े के साथ, और इधर भी ऐसे ही होता है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मतलब लेडीज़ लोग इतना एक्टिव रहती थी, इतना अच्छा डांस वांस करती थी ना कि देख के मन करता था कि हाँ, मतलब बहुत अच्छा मतलब माहौल था। और उसके बाद आप लोग देखेंगे ग्रीन डे आ गया है, तो ये है ग्रीन डे। और ग्रीन डे के दिन मैंने आप सभी के साथ वीडियो भी अपलोड किया है इस ड्रेस में, इसका मेकअप लुक गया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस लुक को देखिए मैंने कैसे किया है। और ये भी ग्रीन पहने हैं, मैं भी ग्रीन पहनी हूँ और लल्ला भी ग्रीन पहन के आया था। ये बोल रहे थे जाओ डांस करो, मतलब गरबा करो, तो मैं बोली ठीक है करती हूँ। लेकिन मेरे को पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो लग रहा था, और हमारे इधर होता भी नहीं है तो हमको आता भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे
धीरे मैं सीख गई हूँ। और यहाँ पे पानी चल रहा है नल, तो आवाज़ आ रही होगी। एंड यहाँ पे देखो ग्रीन डे के दिन भी सब लोग डांस कर रहे थे। बस यही है ना कि सॉन्ग नहीं डाल पा रही ना, इसलिए उतना अच्छा मतलब मज़ा नहीं आएगा। बस म्यूज़िक के साथ आप लोग इंजॉय कीजिएगा। और अब फेस्टी है आज, और आज मरून कलर है हमारे यहाँ, तो मैंने मरून कलर पहन लिया है। कॉटन की कुर्ती है और कुछ इस तरीके का वर्क है इसमें। एंड इधर बेबी खा रहा था मेरा कुर्ती और शॉर्ट्स रखा हुआ है। एंड इनको बोल रही हूँ चलो, तो ये काम कर रहे हैं, अभी जाने को तैयार नहीं है। देखते हैं कब तक चलते हैं। और ये लिए हुए हैं अपना शूज, और ये अब पहनेंगे। फिर हम दिखाते हैं गरबा। सर देख रहे हैं तुम्हारा। You just